अलग क्या ला रहे हैं? आई एम इंक्लूडिंग क्रिस्टल बॉल गेजिंग, क्रिस्टल्स जो बहुत बड़ा मैजिकल वर्ल्ड है। बॉल गेजिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ठीक है? तो बॉल गेजिंग एक ऐसी डिविनेशन है, दैट इज अ टूल फॉर टू नो द फ्यूचर पास्ट एंड मेनी मेनी थिंग्स। इस कोर्स में आई विल इनिशिएट दिस प्रोसेस टू यू। बॉल गेजिंग बहुत इजी लेकिन बहुत अच्छी कनेक्टेड डिविनिटी है। हम इसके अंदर बॉल गेजिंग सीखेंगे, ठीक है? देन आई मैम, विल मेरे टीच पास यू। बॉल है। वंडरफुल सर, आप तो यू जस्ट एपिटू, आपके पास इतनी नॉलेज है, आप हमारे साथ जब भी वंडरफुल कोर्सेस में होते हैं देखिए, सर। वंडरफुल सर, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? क्रिस्टल एंड वास्तु। देखिए आप सब लोग बहुत सारी मोडेलिटीज ऑलरेडी कर रहे हैं, यू आर दी नोअर एंड कैरियर ऑफ ऑल दिस मोडेलिटीज। अब वास्तु आपको मालूम है कितनी वास्ट फील्ड है, ठीक है? और उसके अंदर, वास्तु के अंदर अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए होते हैं? अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन करना होता है, बट हर जगह हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हम कुछ चीजें नहीं रख सकते, कुछ कभी कुछ यंत्रात नहीं रख सकते, कुछ नहीं रख सकते। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप क्रिस्टल को यूज करके वहां पे हीलिंग कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को नलीफाई कर सकते हैं, या फिर किसी चीज को एम्पलीफाई कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आर द एम्पलीफायर्स, वो मल्टीप्लाई करते हैं एनर्जी को, राइट? और क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं, मतलब उनका तो काम ही बहुत कुछ है। तो टेक द एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल टू हील वास्तु। नेक्स्ट, एथीरियल क्रिस्टल्स। ये बहुत बड़ा और डीप एक कॉन्सेप्ट है, एथीरियल क्रिस्टल्स। एथीरियल क्रिस्टल का मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव क्रिस्टल विद यू, आई विल अट्यून यू टू यूज क्रिस्टल्स वर्चुअली। कुछ क्रिस्टल्स हम लोग नहीं मैनेज कर सकते अपने पास लेना, तो हम उनको वर्चुअली कैसे यूज करते हैं, आई विल टीच यू, राइट? देन अगेन हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है, दैट इज न्यूमोलॉजी। जब हम किसी चीज की न्यूमोलॉजी करते हैं, ऑफकोर्स हम लोग, हमको उसका सोल्यूशन चाहिए होता है। हाउ वी यूज क्रिस्टल ब्यूटीफुली टू गेट द इफेक्ट ऑफ न्यूमोलॉजी, ये सारी चीजें यू नो आई एम प्रैक्टिसिंग इन माई डे टू डे लाइफ। आई एम ऑल्सो न्यूमोलॉजिस्ट, आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर, आई एम ऑल्सो वास्तु कंसल्टेंट, एंड आई नो कंबाइनिंग। और कोई आपके पास आते हैं ना, अगर कोई वास्तु के लिए आता है, तो आपको क्या लगता है, आप सिर्फ वास्तु देखेंगे उसका? यू विल टेक कंप्लीट डाटा, आप उसकी हॉरोस्कोप भी देखेंगे, न्यूमोलॉजी से भी चेक करेंगे भाई इसको क्यों तकलीफ आ रही है, एंड वी ऑल्सो नो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? जोडियक क्रिस्टल्स कितने इंपॉर्टेंट है। जोडियक क्रिस्टल्स, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती, देखिए इस कोर्स के अंदर मैं ये नहीं कह रही मैं आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी सिखा डालूंगी, लेकिन आई विल टेक ओनली दोज इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती, थोड़ा सा बेसिक, उसके साथ कौन सा आपको क्रिस्टल, कौन सा जेम यूज करना है, बस, कि यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट एटलीस्ट टू किसी को बताने के लिए कि आप कौन सा जेम, कौन सा क्रिस्टल यूज करेंगे, सो दैट आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही न्यूमोलॉजी में मैं आपको पूरी न्यूमोलॉजी इन डीप नहीं सिखाऊंगी, बट बेसिक सिखा के, आप बेसिक 3 दिन की क्लास होगी न्यूमोलॉजी की, कि बेसिक आप न्यूमोलॉजी कैसे कैलकुलेट करके किसको कैसे क्रिस्टल्स एडवाइस कर सकते हैं, सो दैट थोड़ा 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 आपको क्रिस्टल्स के बारे में सब पता चल जाएगा। न्यूमोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, जोडिया क्रिस्टल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है आजकल के जो बच्चे हैं, यू नो यंगस्टर्स जो है, दे ऑल बिलीव इन सन साइंस, और बिलीव मी सारे जो सन साइंस के साथ जो नक्षत्र ज्वाइंट होते हैं, उसके हिसाब से जो हम क्रिस्टल ब्रेसलेट्स बनाते हैं, दे रियली हेल्प देयर पर्सनैलिटी टू ग्रो इन मल्टीपल। ठीक है, तो ओके, तो कनेक्टिंग क्रिस्टल्स विद द जोडियक साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि क्रिस्टल्स हम कैसे यूज करेंगे? देखिए हर कोई अपने लिए घर में लैंप नहीं ला सकता, हर किसी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, कभी कुछ बच्चे हैं छोड़ देंगे या कुछ कर देंगे। तो इन अ वे मैं आपको बताऊंगी, अगर हम क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनते हैं तो हम कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसे आप क्रिस्टल ब्रेसलेट बनाओगे, यंगस्टर्स को कैसे एडवाइस करोगे, बाकी लोगों को कैसे एडवाइस करोगे, राइट? आई टीच यू दैट अगेन। अब इतना ब्यूटीफुल वे है टैरो रीडिंग एंड क्रिस्टल।